लीडर टीवी में एक भेरो बीहर भले कार असू गाल डॉक्टर मोहम्मद अली महेसर साहब से जारी आन साई वो शेख अयाज के बारे में शायद तो तुम चो था जबरदस्त हो पर वो अकेडमिशन न होजने के करे उन बारे में ओतरो कॉम्पिटेंट साबित न थियो नुकसान कड़ा थे उन वक्त में जो असली स्टैंडर्ड किरियो हकीकत यह है सिंध यूनिवर्सिटी जो असली तालीम जो स्टैंडर्ड हुयो वो अलामा आया है काजी जो लेवल जो वो वरी उन लेवल से कौन पहुंची उन्हीं डाउन हिल सफर हुयो पर शेख साहब के जमाने में असली सियासत जो है जन्म हो तो जैमें मान के एहसास थो तो सियासतदान जो है वो जैसे तालीम के मैदान में अची वे तो शायद उन्हीं सा अना नुकसान जो है उन्हीं में केतरा मूल सिफारशी जो भी अपॉइंट थे उन्हीं तो कंटिन्यूसली स्टैंडर्ड किरंद रो उन्हीं के बे कें भी वाइसचांस बहाल तो को पर सिर्फ बाकी जो वाइस चांसलर आन मुझे ख्याल में उन्हें वद उन डिके जो जो स्पीड हुई तबाही की स्पीड उन्हीं के कें घट कें घट कें थोड़ो घट पर सिलसिलो जो है वो अजा तीन जारी है हाँ शायद यूनिवर्सिटी जैसे इंटरनेशनल लेवल से तक कंपेयर कर तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग कदें भी कान आई ना बिल्कुल हता काई साहब जमाने चवंदा आहिनि त सिंध यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएट पंजाब वेंदो हो त हुनखे जेकॾहिं ख़बर पवंदी आहिनि त हे ग्रेजुएट सिंध यूनिवर्सिटी आहिनि उहो इंटरव्यू न वठंदा हा अच्छा बिल्कुलु ऐं हिकिड़ो अफ़वाह जे तौर ते मशहूरु हूंदो माण्हू चवंदा त कंहिं छोकिरे जो अधु मार्क ते उन्हीअ जो सेकेंड क्लास वियो हो काज़ी साहब वो काज़ी साहब के सामू ल की कें जरूरत न होंगी पर वो कें नमूने से छोकरे में हिम्मत भी पहतो उसे टाइम से टाइम दी मांग के उन अलामा आया काज़ी के मुझी अध मार्क वही डिवीजन तब्दील डिवीजन तो उनके काज़ी साहब जवाब दिन तो पुट काथे तो लीको कडबो न वाह वाह जध मार्क न तो बिन मार्कों से चैन से पर जिथे लीको कडबो उन्हीं के परे पास सेकंड होंद तो बे पास फर्स्ट होंद ते तुझी अध मार्क नो बधा सो हो स्टैंडर्ड सिंध यूनिवर्सिटी अमां जाती तौर जो कुछ भी किया उनमें कंट्रीब्यूटरी फील्ड्स कड़ियों एकड़ो त सिंध साइंस सोसाइटी में रहा साइंस रिसालो कढ़ियो पो मथे वो इस्लामाबाद हाँ इस्लामाबाद बस साल इतने पढ़ाए वो काजी साहब काजी साहब उत हुआ काजी साहब कोऑर्डिनेटर जनरल मां सिंध यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली 1970 में जॉइन किया मां रिटायर किया 2002 में 92 में मां डेपुटेशन से हले हुस पर मां सिंध यूनिवर्सिटी जो मुलाजिम हुस काजी साहब से जॉइन किया एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो बाद में 57 मुल्क जो जो हुयो वो पूरो काजी साहब 1996 में रिटायर किया उन्हीं अता रहमान साहब वो थो कोऑर्डिनेटर जनरल ताने इन्हीं लिहाज से 2014 में रिटायर कर आयुस जेके 57 मुल्क हुआ उन्हें में असा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो स्ट्रक्चर कायम करने की कोशिश पे कई जेका मैंडेट हुई उन्हीं में इस्लामाबाद में सब का वही इन वक्त भी जेका मीटिंग थींदी आ मिनिस्टर जेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी जा जमा थींदा आहिनि ऐं कॉम्सटेक जी उहा जनरल बॉडी उहा ई आहे ॿी एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी आहे सो उन्हीअ में काज़ी साहब सां या अताउर रहमान सां या केतिरनि जॻहियुनि ते ख़ुदि मूंखे रिप्रेजेंट करिणो पवंदो हुयो कोई या समथिंग लाइक 45 मुल्कनि में मां वियो आहियां दुबई उन ज़माने में जेके बि फ्लाइटियूं हूंदियूं अफ्रीका या यूरोप या ॿिए पासे उहे सभु दुबईअ में वेंदियूं कराची भी अञा एतिरी उन में कोन हुई सो
मुझो अंदाजो है तो मां कोई कामस्टेक के दौरान इस्लामाबाद में मां दुबई समझो तो 2010 ताई 200 दफा वे होंदस कदी कदी मां हफ्ते में बब दफा भी वेंदो छो तो उतो फ्लाइट चेंज करनी पोंदी पर असा जो ज्यादातर ध्यान जो को हुंदो वो अफ्रीका जे मुल्कन ते एशिया जे मुल्कन ते हुंदो उनन में असा इनन मुल्कन के जेके यूनिवर्सिटी के मसला हुंदा खुसूसन फंडिंग जा उहे असा मुहैया कंदा से असा केतरा प्रोग्राम जेके नवा शुरू कया उते ऐ हकीकत ये आए त प्रोफेसर अता रहमान कामस्टेक के हेठिया लेवल तो घणो मथे वठी आयो उहे जेके उन जा बटे आइन टर्म्स जेके 4-4 साल या 12 साल उते रहयो उन्हीअ में असां खे साल में $2.5-3 million बि मेंबर स्टेट्स खां मिली वेंदा जेको हाणे लॻभॻि ज़ीरो ते आहे हाणे उहे पैसा जेके पाकिस्तान गवर्नमेंट जेको कुझु हुननि खे ॾिए थी पई उन मां कमु हलाइनि था पर कामस्टेक जो पाकिस्तान जो बज़ाते ख़ुदि कामस्टेक जे थ्रू हिकिड़ो क़ाइमु थी वियो पूरी तरह सां मेंबर स्टेट्स में त पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जेका आहे काफ़ी अहमियत आहे साईं पोइ ॿियनि मुल्कनि में वधी या असां जहिड़ो हाल थियो असां खां बदतर हाल त मुंहिंजे ख़्याल में शायदि हाणे अफ़गानिस्तान जो बि न हुजे अच्छा छो त असां वटि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मां शुरूअ में तव्हां सुवाल पुछो मां तव्हांखे ॿुधायो त साइंस सच जो नालो आहे जंहिं मुआशिरे में जेसी ताईं रुझान पैदा नथो थिए जेसी ताईं मुआशिरे जा माण्हू सच ऐं रुगो सच चवणु पंहिंजो जेको आहे सो मज़हबी फरीज़ो नथा सम्झनि तेसी ताईं साइंस ऐं उन्हनि माण्हुनि जो पाण में तालुक़ु क़ाइमु थी नथो सघे हिकिड़ो पहिरियों इहो नंबर ॿियो साइंस खे ज़रूरी आहे त माण्हू जेका साइंस सिखे उहा प्रैक्टिस करे जीअं प्रैक्टिसिंग मुस्लमान जेको आहे उहो ई आहे जेको इस्लाम जी ॼाण रखे थो तीअं साइंस बि जेकॾहिं कोई पढ़ंदो त उनजी ॼाण जे मुताबिक़ पंहिंजी ज़िंदगी साइंस जे उसूलनि ते गुज़ारे तॾहिं साइंस जेका आहे तरक़ी कंदी ऐं हिन मुआशिरे में हिन वक़्त असां ॿारनि खे सचु ई न सेखारे सघिया आहियूं त साइंस जो असां सां कहिड़ो तालुक़ु आहे हाणे सिंध में साइंस कीअं वधाइजे वल सिंध में साइंस वधाइण जे लाइ पहिरियों त इहो आहे त पहिरीं स्टेज ते त वालदेन खे जेका आहे सा उहा तरगीब ॾियणु को आसान कमु कोन्हे त पंहिंजे ॿारनि खे सभ खां पहिरियों सिफ़ारिश जूं मार्कूं वठी ॾियण जो सिलसिलो बंदि कनि भले फेल थियनि भली फेल थियनि अच्छा इहो कमु त करे सघनि था सॼो भली न सेखारे सघंदा हुजनि छो त जेके सचाई आहे न इहा बि सचाई आहे इहो कमु इन जे करे थो चवां त पेरेंट्स करे सघनि था सिफ़ारिश न कनि ॿारनि जी बाक़ी त ॿारनि जी तरबियत जेके आहिनि ई पाण जेके आहिनि सभु उन में जिन जो यकीन आहे त कूड़ बदूड़ सां सॼो मुआशिरो हलंदो आहे उहे ॿारनि खे कहिड़ी तरक़ीब ॾींदा पर इहो कमु करे सघनि था ॿिए स्टेज ते गवर्नमेंट खे ऐं उहो बि आसान कमु कोन्हे गवर्नमेंट बि त असां मां ई थी पैदा थिए न जेकॾहिं असां पाण ई सच जा मुख़ालिफ़ आहियूं त गवर्नमेंट जेका आहे उन्हनि जी चङा माण्हू कीअं ईंदा उन में पर वाइस चांसलर जेके आहिनि यूनिवर्सिटियुनि जा ऐं कॉलेजनि जा हेड्स ऐं उस्ताद जेके आहिनि एडमिनिस्ट्रेशन खे छॾींदे एकेडमिक साइड ते उहे सभु माण्हू लाइक़ु माण्हू जेके आहिनि आणणु घुरिजनि उहे कीअं अचनि लाइक़ु माण्हू ऐं ताज़ो हुनखे इस्लामाबाद में शिबली मिनिस्टर हुयो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मीटिंग हुई शिबली फराज़ उन खे मां सजेस्ट कयो ॻाल्हि निकिती मां हुनखे चयो त इहो मुनासिबु आहे त फ्रंटियर प्रोविंस में जेके वाइस चांसलर तव्हां मुक़ररु कयो था उहे पठाण हुजनि उन्हनि जी जेका इंटरव्यू पठाण वठनि त हुन हैरत सां मूंखे ॾिठो छा मतिलबु मां चयो मतिलबु इहो त जेकॾहिं मुआशिरो इंतिहाई
अहिड़ीअ लेवल ते पहुतो आहे जिते सिफारिश जेका आहे सा ईमान जो हिसो थी वई आहे माण्हुनि जो, त तव्हां कीअं था इहो यकीन रखी सघो त जेके वाइस चांसलर हुते तव्हांजा ई माण्हू जेके आहिनि सिलेक्ट कंदा उहे ईमानदारीअ सां कंदा बिना सिफारिश जे कंदा? इन जो तरीक़ो इहो आहे त हुननि जी पहच जेका आहे सा मिनिमाइज़ कयो। जेकॾहिं तव्हां ॿाहिरनि मुल्कनि खां वाइस चांसलर सिलेक्ट करण जे लाइ कम्यूटी मुक़ररु नथा करे सघो, तव्हांखे फाइनेंशियल मसइलो आहे, त तव्हां घटि में घटि इहो त करे सघो था त सिंध जा वाइस चांसलर क्रॉस चेक कनि, सिंधी न पर पठाण हुजनि जेके कनि, ऐं पठाणनि जा सिंधी हुजनि, पंजाबी हुजनि, ॿिया हुजनि, जिन ताईं तव्हांजा माण्हू हुते पहुची न सघनि। इहो कमु वाइस चांसलरनि जे लाइ ई न, पर मां सम्झां थो त सिंधी प्राइमरी मास्तर खां वठी मथे लेवल ताईं इहो करणु घुरिजे, त जेके जंहिं इलाइक़े में तव्हां अपॉइंटमेंट्स कयो था उन इलाइक़े जे माण्हुनि खे मिनिमाइज़ कयो, न ॿुधायो त केरु तव्हांजा इंटरव्यू वठंदा। आख़िरी ॾींहं ते वञनि, साम्हूं वेठा हुजनि त ख़बर पए त हे जेके इंटरव्यू वठनि था। इन्हीअ तरीक़े सां 100% न, पर जेकॾहिं तव्हां 20-25% 30-40% घटाए सघो तॾहिं बि वॾो फ़ाइदो पवंदो हिन मां।